डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं यूपी RVUNL की तरफ से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टेक्निकल का स्टूडेंट है आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो UPRVUNL, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो यहाँ से देखिए बहुत बम्पर वैकेंसी है, तो यहाँ से देख लीजिए। जो भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या जो भी कंप्यूटर के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितना वैकेंसी, आपको वैकेंसी दिखाना चाहता हूँ। तो जो भी अभी तक निर्भय 11 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ 2016 का, तो वहाँ भी देख सकते हैं, उसका एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो आराम से इस चैनल से जुड़ जाइए और UPRVUNL का आराम से तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो निर्भय 11 यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो आया हुआ है, पहले है विद्युत इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल का कितना कुल टोटल सीट है, 69, ठीक है। टोटल सीट कितना है, 69 है। और UR में देख रहे हैं वैकेंसी कितना है, 42, ठीक है। OBC में कितना हो गया, 15, और SC में 5, और ST में 3, और EWS में 4, PWD में 2 है, और ESM में 3 है, और इधर हो गया कितना, 1 है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितना है इलेक्ट्रिकल में, तो 69 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग आराम से आप अप्लाई कीजिए। तो जो भी यूपी के बच्चे हैं तो उसके लिए रिजर्वेशन मिलेगा, और जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट का जो भी बच्चे हैं उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। वो आराम से जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से जनरल करेंगे, जनरल से अप्लाई करेंगे, मतलब जनरल में आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है, अदर स्टेट के लिए। और जो भी यूपी के स्टूडेंट हैं तो वो आराम से यूपी के लिए रिजर्वेशन अपना ले सकते हैं, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा के, ठीक है। SC ST हैं तो ले सकते हैं, OBC ले सकते हैं, EWS हैं तो EWS लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैकेनिकल का वैकेंसी है, मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा 78 वैकेंसी, ठीक है, 78 वैकेंसी। और UR में कितना है, 46, और OBC नॉन क्रीमी लेयर में 17 वैकेंसी है, और SC में 6 है, ST में 4 है, इस तरह से देख सकते हैं वैकेंसी। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वैकेंसी है कितना है, 39, ठीक है। और यहाँ पे देखना कंप्यूटर का भी 10 वैकेंसी है, तो टोटल 196 वैकेंसी है। टोटल कितना वैकेंसी हो गया, टोटल वैकेंसी बताइए, 196, ठीक है। तब बहुत अच्छा वैकेंसी है, आराम से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छा तैयारी कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी अपलोड कर दिया हूँ, और उसका एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और बात करेंगे फिर नेक्स्ट हम कि यहाँ पे देखिए आपको वेतन कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेतन पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेवन्थ पे मैट्रिक से मिलेगा आपको, ठीक है, लेवल 7 मिलेगा, और 44,900 लगभग 45,000 के आसपास जो है बेसिक पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद देखिए, तो यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। आपके मतलब ये एलिजिबिलिटी क्या क्या है रहना चाहिए, तो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, ठीक है, यानी 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से आपको 3 ईयर्स का डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे BTEC के स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने का अति नहीं दिया गया है प्रोविज़न, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं जो भी कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1/1/2021 से, ठीक है, 1/1/2021 से, न्यूनतम 18 साल है, मैक्सिमम कितना है, 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे फिर आरक्षण, तो आपको ऐसे मिलेगा, जो भी यूपी का स्टूडेंट है तो उसको आरक्षण ले सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा के, ओबीसी हैं तो ओबीसी का ले सकते हैं, SC ST ओबीसी नॉन क्रीमिलियर PWD ये सब हो गया अपना ले सकते हैं। जो भी अदर स्टूडेंट के बच्चे हैं उसके लिए कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो आराम से जनरल से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और फी जो रहेगा नॉन रिफंडेबल रहेगा, और यहाँ पे रिजर्वेशन ओबीसी के लिए कितना लग रहा है फी, 1,000, ठीक है, 1,000 लगेगा, और अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट चाहे SC ST का हो या OBC का हो, सबको 1,000 ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे यूपी का अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे SC ST के लिए कितना लगेगा, 700, और PWD के लिए कितना लगेगा, 10 रुपया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से देखा दिया हुआ है, उसके बाद 24 घंटा हर समय कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, SBI कलेक्ट से कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं सबको,
अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसमें कितना क्वेश्चन रहता है, 200 क्वेश्चन, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन टेक्निकल रहता है आपका। टेक्निकल टेक्निकल मतलब जो भी आपका ब्रांच होगा, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल से 150 क्वेश्चन, या मैकेनिकल होगा तो मैकेनिकल से, या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, और सीएस होगा तो सीएस से रहेगा। अब 50 क्वेश्चन जो रहता है नॉन टेक रहता है, 50 क्वेश्चन नॉन टेक, 20 क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब 20 क्वेश्चन जीके रहेगा, जीके में दो चार क्वेश्चन रहेगा जो करंट अफेयर्स रहेगा, और 20 क्वेश्चन हो गया आपका रीजनिंग, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन हिंदी रहता है, 10 क्वेश्चन हिंदी, तो 20 20 40 और 10 50 हो गया इधर, तो यहाँ तक समझ गए। तो उसमें जो सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी नंबर आएगा उस बेसिस पे आपको मेरिट बनेगा, और उसमें अगर अच्छा खासा नंबर आ जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा, मान लीजिए 78 पोस्ट है तो 78 पोस्ट का 150 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, मतलब 1:5 के रेशियो में बनाया जाएगा, ठीक है, 1:1.5 के रेशियो में, मतलब 1.5 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? आप देखें यहाँ पे चयन का प्रक्रिया से बता दिया आपको, सीबीटी होने वाला है, 3 घंटा का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, देखिए यहाँ पे तो 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन जो रहेगा, यहाँ से देखिए सब चीज़ लिखा हुआ है, जनरल हिंदी रहेगा, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग रहेगा, ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग। उसके बाद देख लीजिए आगे, उसके बाद है यहाँ से परीक्षा स्थान, परीक्षा स्थान कहाँ पे भी हो सकता है, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा वैकेंसी, एकदम बहुत बम्पर वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ज्वाइनिंग के बाद, जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तो उस समय आपसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, आपसे 3 साल का बॉन्ड बनाया जाएगा, यहाँ पे 1.5 लाख का, कितना लाख का बनाया जाएगा, 1.5 लाख का बॉन्ड बनाया जाएगा, मतलब आप छोड़ के जाते हैं तो 1.5 लाख का बॉन्ड आपका ये हथी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कब तक ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है, 3/6 से, ठीक है, 3 तारीख से ये स्टार्ट है आवेदन, आप आराम से भर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 2/7/2021 रखा गया है, 2/7/2021 आवेदन शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि है 4/7/2021, यहाँ तक 2/7/2021 तक याद रखिएगा, यहाँ तक अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे नहीं दिया जाएगा मौका, ठीक है। ईमेल आईडी इतना दिया है, हेल्पलाइन कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो 2-3 चरण में होने वाला है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग हो गया, सेकंड सीटिंग हो गया, इस तरह से एग्ज़ाम होगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, आपका जो भी मार्क आएगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जैसे कि रेलवे में होता है उस तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखिए ये है, इसी के बेस पे आपका हार्ड क्वेश्चन आता है या सिंपल क्वेश्चन आता है, सबका नॉर्मलाइज किया जाएगा, एक जैसा मार्क काउंट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक खत्म हो गया सब चीज़। तो जो भी अभी निर्भय वन यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, यहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, आपका सिलेबस ये क्या होता है, जो भी टेक्निकल से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम हो गया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया या तो कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो गया, सबका यहाँ पे वैकेंसी का लेके आता हूँ, ठीक है, आपको पल पल अपडेट यहाँ मिलते रहेगा, तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।